माई किचन ट्रेजर्स चैनल में आपका स्वागत है। होली आने वाली है, होली पे आपने ठंडाई तो बहुत पी होगी, लेकिन आज हम उसी ठंडाई का केक लेकर आए हैं हम आपके लिए, वो भी बिल्कुल रंग बिरंगा, जो आपकी होली में चार चांद लगा देगा। ये बनाना बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन, जिसमें हम केक बना रहे हैं, उसको मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली, ग्रीसिंग कर लिया है। उसके नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है ताकि हमारा केक बनने के बाद आराम से निकल आए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, उसके बाद हम मिलाएंगे पिसी हुई चीनी, अब हमें इसे अच्छे से बीट करना है। मैंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल हैंड विस्क से भी इसे कर सकते हैं। हमें इसे अच्छे से बीट करना है। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक ऑयल में शुगर अच्छे से मिल ना जाए। अब हम इसमें मिलाएंगे दही। ये केक हम एगलेस बना रहे हैं, इसलिए इसमें हमने दही का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और बीट करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक बीट करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमारा बैटर जितने अच्छे से हम इसको बीट करेंगे अभी शुरू में, उतना ही हमारा केक अच्छा फ्लफी और सॉफ्ट बनेगा। हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से बीट हो गया है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें एयर अच्छे से फोल्ड हो गई है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। हमने बाउल में मैदा डाला है, इसे हमने 3 बार छान लिया है अच्छे से। अब हम इसमें मिलाएंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट। हम ये केक स्पेशली होली के लिए बना रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो होली में सबसे ज़रूरी है वो है ठंडाई। इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर। ये ठंडाई पाउडर आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट और फ्रेग्रेंस सब कुछ इंक्लूड होती है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने बैटर में मिलाएंगे, जो हमने कर्ड और ऑयल और शुगर का ये जो मिक्स तैयार किया था, इसमें हम ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। इसे हमें अब बीटर से बीट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड मेथड से आराम से एक स्पैचुला की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सारा ड्राई इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मिला देंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब हम अपना बाकी भी सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला देंगे। ये केक बहुत ही, जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत खुशबूदार बनेगा। बेक करते हुए ही आपकी पूरी किचन में इसकी महक आएगी और खाने में तो ये टेस्टी होगा ही। होली पे हर चीज रंग बिरंगी होती है और खुशबूदार भी। यकीन मानिए, जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ करते नहीं थकेगा। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे
अलग अलग बाउल्स में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसे कलरफुल बनाना है, तो हम एक पार्ट यही रखेंगे और बाकी चार पार्ट में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डालेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर इक्वल अमाउंट्स में इसमें चारों में डिवाइड कर देंगे और थोड़ा सा हिस्सा हम वाइट ही रहने देंगे। हमारा रंग बिरंगा केक बेक होने के बाद भी बहुत सुंदर लगेगा। हमने इसे चार हिस्सों में बांटना है। हमने बैटर को डिवाइड कर लिया है, ये पार्ट वाइट रखा है मैंने और बाकी सब में अब हम, मेरे पास ये जेल कलर्स हैं अलग अलग रंगों के, आपके पास जो भी कलर्स हों, चाहे लिक्विड कलर्स हों, वो भी आप एक से दो ड्रॉप अपने मन चाहे कलर आने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पार्ट में मैं डाल रही हूँ रेड कलर, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है तो उसमें जितने भी आप रंग मिलाएंगे उतना ही वो सुंदर लगेगा। इसे अब हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी कलर्स जैसे हमें पसंद हो उस हिसाब से हम ले सकते हैं। ये फूड कलर्स हैं, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ओवन मैंने अपना 10 मिनट के लिए प्री हीट करने लगा दिया है। जब तक ये मिक्सिंग होगी हमारा ओवन भी प्री हीट होके रेडी हो जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम अपना दूसरा कलर डालेंगे इसमें। मैंने येलो ग्रीन और रेड तैयार कर लिए हैं। अब मैं ये ब्लू कलर मिक्स कर रही हूँ। अभी से ही मेरी किचन में ठंडाई की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो ये सिर्फ बैटर में हमने मिलाई है, जब ये बेक होगी गर्म होगा तो ये और भी अच्छी खुशबू आएगी। आप अपने मन चाहे कलर इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं बिना कलर्स के बनाना तो आप वैसे भी बना सकते हैं। फ्लेवर तो हमारा ठंडाई का इसमें आ ही गया है। तो ये हमारे सारे तैयार हो गए हैं और एक ये हमारा पोर्शन व्हाइट का। अब हम इसे केक टिन में डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे डालेंगे। हम अपना केक का टिन लेंगे, ये हमने पहले ही रेडी करके रखा था। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें अपनी व्हाइट लेयर, थोड़ा सा हम पोर करेंगे सेंटर में। बहुत आसान है इसे असेंबल करना, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे अपना रेड कलर, जो हमने रेड बैटर तैयार किया था, सेंटर में हम डालते जाएंगे। स्लोली स्लोली आप पोर करते जाइए, ये अपने आप साइड में फैलता जाएगा। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ग्रीन बैटर, सेंटर में हम डालेंगे रेड कलर के। चाहे ये अनइवन आएगा तब भी ये बहुत सुंदर लगेगा। हमें इसे किसी कोई शेप नहीं देनी है। अब येलो कलर का डालेंगे हम बैटर। आप चाहें तो इससे कपकेक्स भी तैयार कर सकते हैं। यही सेम बैटर इसी टेक्निक से आप मफिन मोल्ड्स में डालेंगे तो वो आपके कपकेक तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे अपना ब्लू बैटर। ब्लू बहुत ही अनयूजुअल कलर है लेकिन ये केक में बहुत सुंदर आएगा बेक होने के बाद। अब हम फिर दोबारा से शुरू करेंगे अपना एक व्हाइट की लेयर। स्पूनफुल आप डालते जाइए, थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आपका ये फैल भी जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। है तो हमारा ये केक का ही बैटर और एंड रिजल्ट केक सब अच्छा ही बनेगा। हमने सारा बैटर अच्छे से पोर कर लिया है। कितना सुंदर लग रहा है ये, अभी भी इतना कलरफुल रंग बिरंगा आपका ठंडाई का केक बनके तैयार होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा डिज़ाइन और देंगे। डिज़ाइन देने के लिए हम कुछ खास नहीं करेंगे, हम अपना नाइफ लेंगे या टूथपिक आप ले सकते हैं। सिंपल इसमें हम ऐसे ऐसे डिज़ाइन दे देंगे। ये एक अच्छा लहरों जैसा कलर इसका फैल जाएगा। जब ये बेक होगा तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए अपने आप ही कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया। हम वैसे देखते हैं तो हमें लगता है इसे कितना मुश्किल है बनाना,
थोड़ा सा हम इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी सजा सकते हैं। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, उसका एक फूल बना के मैं लगा रही हूँ। आप चाहें तो कैसे भी लगा सकते हैं। अब हम इसे बेक करते हैं। हम इसे 180 डिग्रीज पर 35 से 40 मिनट, जब तक हमारा, अगर हम टूथपिक इसमें डाल के देखें वो बिल्कुल सूखा निकला है, तब तक हम इसे बेक करेंगे। वही सेम केक का बैटर मैंने मफिन्स बनाने के लिए मफिन मोल्ड्स में भी डाला है। सेम उसी टेक्निक से मैंने डाला है, अलग अलग कलर्स मिक्स किए हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजाया है। मफिन्स हमारे जल्दी बन जाते हैं, 20 से 25 मिनट पर 180 डिग्री पर ये तैयार हो जाएंगे। हमारा केक बेक हो गया है, देखिए कितना सुंदर कलर आया है, इसे चेक कर लेते हैं। मैंने वैसे चेक कर लिया है, अगर आप इसके बीच में डाल के देखें नाइफ, ये बिल्कुल साफ आ रहा है, इसका मतलब आपका केक बिल्कुल सही से बन गया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक बाहर रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद में हम इसे डीमोल्ड करके काटेंगे। हमारे मफिन्स भी तैयार हो गए हैं बेक होके, इसको भी चेक कर लेते हैं हम, ये बिल्कुल ठीक है, हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो गया, एकदम रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। हमारे रेनबो मफिन्स और हमारा रेनबो केक ठंडाई फ्लेवर का दोनों बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इन्हें बनाएं और अपनी होली में चार चांद लगाएं। आप देख सकते हैं हमने ये पीस कट किया है, आपको हर कलर की डिफरेंट लेयर इसमें प्रॉपरली नज़र आएगी। हम आशा करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी होली।